हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप मजदूर डायरी के अंदर जो है अपने नए नंबर कैसे अलॉट कर सकते हैं और कार्ड कैसे बनाएं, तो वो आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, यही आपसे निवेदन है, और हमारे वीडियो को जो लाइक करो दोस्तों, ताकि मैं भी अगली वीडियो आपके लिए इंटरेस्टेड से बना सकूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं जाता हूँ ई मित्र पे जाने के बाद मैं जाता हूँ दोस्तों यूटिलिटी पे। तो दोस्तों यूटिलिटी पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे दोस्तों सर्च करता हूँ स्कीम। तो जैसे मैं स्कीम सर्च करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप श्रम विभाग आ गया है। तो इस पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और थर्ड पार्टी पोर्टल पर मैं चला जाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों जैसे इसमें थर्ड पार्टी पे जाता हूँ, तो दोस्तों इसमें जो स्कीम आई हुई दोस्तों, तो ये एक ट्रिक है दोस्तों। तो इसमें आपको सुभशक्ति योजना पे क्लिक करना है। तो दोस्तों आपको फॉर्म नहीं भरना दोस्तों, आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ ये। तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ पर आपके पुराने जो मजदूर आई नंबर है वो आपको डालने होंगे सीधे सी। तो जैसे दोस्तों ये फॉर्म देख लीजिएगा आप, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको पुराने डायरी का नंबर डालना है। जैसे कि मैं डालता हूँ पुराने डायरी का नंबर, ये देखिए। तो जैसे मैं डालता हूँ नंबर, तो सॉरी दोस्तों ये मैं नंबर गलत डाल देते हैं, वापस दोबारा मैं आपको डायरी का नंबर डालता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैंने ये नंबर डाले, जैसे मैं इसे सर्च करता हूँ दोस्तों, इस पर क्लिक करता हूँ बैक साइड में, तो दोस्तों ऑटोमेटिकली ये अपने सारे डिटेल बता देता है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो है आप देखेंगे कि ये नए नंबर अलॉट हो चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, तो ये नंबर जो अलॉट हो चुके हैं अपन को, ये इसी तरीके से निकलेंगे। ये आपके नई डायरी के नए नंबर है दोस्तों। तो आप इस नंबर को, अगर आपको कार्ड प्रिंट करना है दोस्तों, तो इसी नंबर से होंगे। तो इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको वापस जाना है ई मित्रा पे जाने के बाद दोस्तों आपको वापस स्कीम लिखना है। तो दोस्तों स्कीम के अंदर दोस्तों थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए मैं स्कीम को वापस कैंसिल करके और आपको जो दोस्तों लिखना है इसको आप कैंसिल कर दीजिए दोस्तों। मैं आपको शॉर्टकट से भी बताता हूँ, आपको जो है दोस्तों लिखना है इसके अंदर लेबर। तो दोस्तों इसमें आपको लिखना है लेबर। जैसे आप लेबर लिखते हो तो इसमें इतना सारे जो ऑप्शन आ जाते हैं, तो इसके अंदर दोस्तों आपको लिखा होगा उसमें लेबर कार्ड प्रिंट्स, तो उसी पे क्लिक करना है दोस्तों। तो इसके अंदर आप देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर लेबर कार्ड का प्रिंट का ऑप्शन आ रहा होगा। ये देखिए दोस्तों, ये रहा लेबर इशू आइडेंटिटी कार्ड, इस पर आपको क्लिक करना दोस्तों। और क्लिक करने के बाद दोस्तों इसके बाद में आपको थर्ड पार्टी पोर्टल में जाना है, और वहाँ पर दोस्तों आपको डायरेक्टली ये आपके डायरी के न्यू नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है दोस्तों। तो इसमें आप न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए। मैं इसको पेस्ट करता हूँ और इसको सर्च करता हूँ। जैसे मैं इसको सर्च करता हूँ दोस्तों, तो आप देखिए इसमें आ गया है जनरेट आई कार्ड। तो इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके जनरेट आई कार्ड पे क्लिक करता हूँ, ये मेरा कार्ड बन चुका है दोस्तों। इस पर फोटो नहीं है तो फोटो मैं लगा दूंगा बाद में। तो इस कार्ड को आप प्रिंट कर कीजिए, प्रिंट करने के बाद फोटो लगाइए और ये आपका कार्ड बिल्कुल रेडी है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो हमारी बिल्कुल पसंद आई होगी दोस्तों। मैं इसी तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ टेक्निकल और इमित्र की। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लो यार, और हमारे वीडियो को लाइक करो, और आपके जो भी समस्या हो तो हमें कमेंट करके जरूर।